विष्णु ने जिगा श्री रामचंद्र जी भगवान का भगवान का श्री जगदम्बा संकीर्तन मंडल के सब सदस्य ने परिवार के सुख शांति दान भक्षण वाली आप शक्ति जगजननी जगदम्बे भवानी मैया का अपने सेवकां नूं सदा ही गलतियां तों बचा के नेक रस्ते ते चलाण वाली माई जी दा अपने सब सेवकां नूं सदा दिन रात चंगी निगाह रखण वाली माई जी दा मां तेरे जागरण किसे बच्चे तों कोई गलती हो गई सब दियां अल्लाह बख्शण वाली बख्शनहार माई जी दा तंदुरुस्ती कारोबार दे विच वाधा कर ते बीमारियां सवारियां तो बचा के तो अपने चरणा च अपनी सेवा च लगाई रख मैया रानी जो भी आप लोगों ने मतलब इस जागरण इस भंडारे इस महामारी दे की कमा थोनू कह दी कोई मेरे को शब्दी को नहीं इस यगन दे विच जिन्हें जिन्हें भी अपना भाग माई राणी की कृपा न लिया है उन्होंने तन भाग है तो माई राणी उन्होंने घर च सुख शांति का दान बचे सदा ही अपने चरणी लगा बोल साजे शर्मा जिन्होंने पूरे मेले के अंदर चाहे भागवत का पूजन हो चाहे जागरण का पूजन हो भंडारे का हो कन्या पूजन हो सभी में अपना खूब रोल अदा किया है दुर्गा मंदिर के पुजारी वो आए और अपने श्री मुझसे दो सबके इनके साथ जितन शर्मा जी रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद माँ भगवती की बड़ी कृपा रही है आप सभी भक्तों पर और ये बहुत सोचा भी नहीं था मैंने कि इतना भव्य प्रोग्राम होगा जब मैंने ऊपर जाके देखा स्टेज पे और मैं देखता ही रह गया मैंने ऐसा प्रोग्राम आज तक नहीं देखा है एक साल होगा मेरे को उस दिन 4 तारीख को एक साल मेरे को हुआ था जिस दिन माता को सब था मेरे को भी एक साल हो गया उस दिन तो मैंने ऐसा चमत्कार कभी जिंदगी में नहीं देखा है और आप लोगों का बहुत सौभाग्य है जो आप लोग दर्शन के लिए माँ भगवती के दरबार में आते हो या आपने भंडारा ग्रहण किया या उसमें सहयोग किया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके ऊपर माता ने हमेशा कृपा बनाई रखी धन्यवाद एक चीज मैं कहनी भूल गया कि मेरी अलमारी की चाबी गुम हो जाने की वजह से मैं पूरा लेखा जोखा तैयार नहीं कर सका आपने जो भी पैसा दिया उसका एक एक पैसे का हिसाब महामाई ने हम लोगों को सौंपा है और वो तैयार है कभी भी किसी भी टाइम किसी को संशय हो या कोई कहे तो वो आके अपना हिसाब देख सकता है पूरा क्लियर है पारदर्शी है कोई उसके अंदर मतलब लुका छुपी नहीं है बिल्कुल भी एक एक रसीद का जोड़ लगाया जाता है एक एक रसीद चढ़ाई जाती है बैंक में पैसा जाता है बैंक के बाद चेक से भुगतान होता है तो कभी भी ये मन में डाउट नहीं करे कोई कहे निश्चिंत पहुंचो कि मेरे पास आ जाए 5-7 दिनों में मैं लेखा जोखा पेश कर दूंगा इतना पैसा अपने पास आया इस बात पे इतना पैसा खर्च हुआ है इतना पैसा अपने पास बचा है या अपने को देना है वो सारा लेखा जोखा 5-7 दिन में जा सकता तो चाबी गुम होने के आज खुलवाई है मैंने चाबी इस बारे में क्योंकि आप लोग अपनी कमाई का जो पैसा देते हो ना हमें बहुत डर लगता है उस पैसे वहाँ भाई से अपने काम में बचत मांगते हैं भाई तेरे के चंदे का पैसा नहीं हुआ हमारे खर्च हो जाए इसके साल ही हिसाब रखते हैं आदमी के पैसा कहीं कह देंगे